गई। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है शुभ्रायन और आज मैं फिर से खेल रहा हूँ। हाँ, बहुत दिनों के बाद, मुझे पता है बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से खेल रहा हूँ आज माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। ये वीडियो, ये वाला इंट्रो मैं लिटरली रिकॉर्ड किया था शायद आज से 2 हफ्ते पहले। हाँ, तुमने सही सुना, मैंने 2 हफ्ते पहले इसको रिकॉर्ड किया था। मतलब अभी तक केव्स एंड क्लिप्स पार्ट 2 रिलीज़ होने में 2 हफ्ते बचे हुए हैं जब मैं ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था। तो इससे समझ सकते हो कि मैंने जो ये वीडियो है ये कब बनाया था और कब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, चलो। तो आज के वीडियो में मुझे करना तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अपने लिए एक छोटा सा शिप फार्म बनाना है, क्योंकि मुझे अपना जो विलेजर ट्रेडिंग एक्शन है उसको जो है जल्दी से जितना जल्दी हो सके ट्रेडिंग जो है स्टार्ट करना है। और उसके लिए शिप फार्म क्यों पूछो, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भर भर के बेबीज तो अभी आ रहे हैं, विलेजर्स तो आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे, मैं जो है सोच रहा हूँ एक सेपर्ट बना लूँ, क्योंकि सेपर्ट के साथ उल ट्रेड किया जा सकता है। और उल अगर उल के साथ साथ अगर मिक्स कर दूँ तो क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, अरे शिप फार्म, तो उसको अगर मिक्स कर दूँ तो बहुत फ़ायदा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे शिप फार्म बनाना पड़ेगा, पर शिप फार्म बनाने के लिए बहुत सारे वीट भी तो चाहिए होगा ना, तो वीट कहाँ से मिलेगा। तो सोच रहा हूँ कि शिप फार्म को जो है बाद के लिए ढकेल देता हूँ, और उसके बाद जो है अभी जल्दी से मैं एक बना लेता हूँ फार्म अपने लिए, छोटा सा एक वीट फार्म, छोटा सा नहीं बड़ा सा ही बनाऊँगा। मेरे पास एक दिमाग में एक खुराफाती आइडिया घूम तो रहा है, जिसको करने में मुझे पता है एकदम 2000 पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लिटरली मेरे पास उतना सीड तो है ही नहीं। तो पर कोई नहीं, हो जाएगा, देखते हैं ना, करके ही देखते हैं। तो अपने लिए सोच रहा हूँ अभी मैं एक जल्दी से एक फार्म बना लूँ। तो इस जगह पे ये जो जितने भी जगह है, मुझे इसको सबसे पहले तो फ्लैटनिंग करना पड़ेगा, इस जगह को फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे वीट फार्म बनाना पड़ेगा। और ये जो वीट फार्म है ये कंपेयर टू मेरा 100 एपिसोड वाले जो सीरीज़ है उसका जो वीट फार्म है उसके साथ अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये जो है उससे छोटा होने वाला है, पर किसी भी नॉर्मल वीट फार्म से जो है ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बना ही रहा हो जब क्यों ना एकदम बड़ा ही बनाया जाए। एंड एक काम करूँगा, मेरे पास एक्सपी फार्म भी है, मेरे पास इंचेनमेंट टेबल भी है, तो मैं यहाँ पे इतने घटिया तरीके से, मतलब इतने स्लोली क्यों माइन कर रहा हूँ डर्ट, है ना, तुम लोग यही सोच रहे हो ना। तो मेरे दिमाग में ये बात जो है बहुत देर से आया कि मेरे पास तो एक्सपी फार्म भी है, ये भी है, तो मैं इसको इंचेंट ही क्यों ना कर लूँ। तो देखो अभी इतनी देर बाद भी मुझे जो है मेरे दिमाग में वो बात आई नहीं, तो कोई नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ी देर तक ऐसे ही काम करता जाऊँगा, उसके बाद मुझे मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ मैं एक्सपी फार्म भी है, सब कुछ है, इसको इंचेंट कर लूँगा। तो कोई नहीं, अभी के लिए तो इसको थोड़ा बहुत फिल कर लेता हूँ, जगह को थोड़ा बहुत प्लेन कर लेता हूँ, और उसके बाद तुम लोगों को दूसरे साइड में मैं देखूंगा कितना दूर काम होता है। तो फाइनली अभी मुझे याद आ चुका है कि मेरे पास जो है एक्सपी भी है, सब कुछ है। तो कोई नहीं, अभी देख सकते हो सबल में जो है एफिशिएंसी 3 मेरा आ चुका है, और डर्ट माइन करने के लिए, डर्ट इंस्टा माइन करने के लिए एफिशिएंसी 3 एनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, एफिशिएंसी 3 ही बहुत है। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा काम जो है जल्दी हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा जल्दी होगा, उतना भी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा ही जल्दी होगा, पर इंस्टा माइन करने के लिए, हाँ देखो इंस्टा माइन हो रहा है, इंस्टेंटली जो है माइन हो जा रहा है। तो कोई नहीं, अभी मैं जितना जल्दी हो सके इस जगह पूरा का पूरा जो है फ्लैट आउट कर लेता हूँ, और फ्लैट आउट करने के बाद जो है फार्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। एरिया को मैंने फ्लैट तो कर लिया है, और अभी चाहिए मुझे एक अपने लिए हो, और हो जब चाहिए तो मैं डायमंड का ही हो बनाने वाला हूँ। मैं तुम लोगों की तरह कंजूस नहीं हूँ कि आयरन का हो बना के 10 बार बनाते जाऊँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो डायमंड का ही बनाने वाला हूँ। डायमंड अगर है तो वेस्ट क्यों ना करूँ, सीधा बात है, क्योंकि डायमंड और किसी काम आता नहीं है। और हो में मुझे फॉर्च्यून 2 भी मिल गया, क्या बात है, मतलब जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं है वो भी मिल गया फॉर्च्यून 2, कुछ भी। तो कोई नहीं, ये तो हो गया, अभी भी 17 डायमंड मेरे पास बचे हुए हैं। और तुम लोग बोल रहे हो कि डायमंड से मैंने क्यों बनाया हो, देखो इसलिए बनाया क्योंकि मैं अमीर हूँ, नहीं वैसे तो रियल लाइफ में मैं बिल्कुल गरीब हूँ, पर माइनक्राफ्ट में मैं अमीर हूँ और कुछ। तो अभी जब मैं यहाँ पे फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया है, तब अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो है यहाँ पे कितना बड़ा गलती कर दिया है ये काम स्टार्ट करके, क्योंकि लिटरली मेरे पास एक भी सीड नहीं है। इसका मतलब मुझे जो है सबसे पहले जितने सीड है उनको प्लांट करना पड़ेगा, फिर उनको बोन मिल करके जो है बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद सीड इकट्ठा करना पड़ेगा, ये एक रास्ता है। और नहीं तो बोन मिल अगर ना यूज़ करूँ तो उसको उनको जो है ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कब तक जो है वो हो पाता है। तो भाई ये जो टास्क है ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है,
तो कोई नहीं, अब जब स्टार्ट कर ही दिया है तो रुकने तो वाला मैं हूँ नहीं। चलो कोई नहीं, फॉर्च्यून 2 है ये, कम से कम एक अच्छी बात है, फॉर्च्यून 2 है तो सीट जो है थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। 2000 साल बाद एंड फाइनली फाइनली, मुझे लगा था ये काम कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, पर कंप्लीट हो गया। एंड दिखने में उतना ज़्यादा बढ़िया तो लग नहीं रहा है कि ऊपर, पर इतना मैं बता सकता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर जो है सारे का सारा जो व्हीट है वो प्लांट कर दूंगा ना, ये देखने में बढ़िया लगेगा, इतना तो पता ही है। एंड तुम लोग चौंक गए होगे ना, 2000 साल बाद, सबको तो इसका आदत नहीं होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कुछ यूनिक किया ही जाए। मतलब हर कोई तो सब कुछ यूनिक नहीं करता है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यूनिक ही कर दूँ। हर कोई लगा देता है 2000 ईयर्स लेटर, तो मैं खुद से बना लिया 2000 साल बाद। तो तुम लोगों को पता चल रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, पर आवाज़ से शायद नहीं पता चल रहा होगा, पर बाहर जो है थंडर स्टॉर्म चल रहा है और मेरे पास गिन के 2 ट्राइडेंट है। और ट्राइडेंट का मतलब तुम लोग अभी समझ गए होगे मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके करना पड़ेगा, क्योंकि थंडर स्टॉर्म जो है ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता है। तो मुझे जो है जितना जल्दी हो सके अपने चैनलिंग एक ट्राइडेंट बनाना पड़ेगा अपने लिए, और किसी क्रीपर को जो है उससे हिट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मेरे पास चैनलिंग ट्राइडेंट है नहीं, मेरे पास तो कोई जो बुक है उनमें भी चैनलिंग नहीं है। अभी तो मेरे पास एक ही रास्ता बच जाता है, तो मुझे जो है जितना जल्दी हो सके ट्राइडेंट पे चैनलिंग लेना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए होगा एक्सपी, एक्सपी की कोई फिक्र नहीं है, मेरा एक्सपी फार्म यहाँ पे रेडी है। और अभी इसमें क्या कितना लेवल देगा पता नहीं, इसको ऑफ करो, 32 लेवल है मेरे पास, तो एक निकाल के देखता हूँ कितना लेवल देता है। तो ये हो गया 32 से 39, वाओ वाओ 39 लेवल, मतलब 3-4 मैं एन्चेंटमेंट यहाँ पे कर पाऊँगा। एक बार विलेजर पे चेक कर लेता हूँ, नहीं डिसइंचेंट कर लेता हूँ अपने ट्राइडेंट, दोनों को डिसइंचेंट कर लेता हूँ। विलेजर को ट्रेडिंग करने में उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मिलेगा नहीं। अरे यार शिप हट ना, जल्दी मैं हूँ वैसे ही और ये सामने आ जा रहा है, जल्दी 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 जितना जल्दी हो सके ऊपर जाना। अरे यार फिर से भूल गया, थोड़ा बहुत और ले लेता हूँ। तो ये हो गया 39 44 44, एक और हो जाएगा, चलो और 48, चलो 48 है, 48 काफ़ी होगा, 48 काफ़ी होगा, शायद 3-4 इंचमेंट तो हो ही जाएंगे इसमें। और मेरे पास लैपिस भी ज़्यादा नहीं है, अरे यार अभी याद आया मुझे लैपिस ज़्यादा नहीं है, कहाँ गया, किस चीज़ में है लैपिस, इसमें है, ज़्यादा नहीं 22 तो है, 22 तो है, चलो देखता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइडेंट, इस पर अनब्रेकिंग 3 पे रिस्क लेना पड़ेगा। अरे यार इम्पेलिंग लॉयल्टी आ गया इसमें, चलो बुक पे देखता हूँ। प्रोटेक्शन 3 जब चाहिए होता है तब नहीं आता है, अभी आ गया है प्रोटेक्शन 3, कुछ भी, तो कोई नहीं अभी क्या करो। अब अपना दूसरा वाला टाइटन जिसमें हेल्थ नहीं है उसको भी देख लेता हूँ, मेंडिंग लगा के ठीक कर लूँगा, पर चैनलिंग आ जाए प्लीज़। इम्पेलिंग 4 आ रहा है, इम्पेलिंग के साथ चैनलिंग, हाँ इम्पेलिंग के साथ चैनलिंग आ सकता है, आई थिंक आ सकता है, पर फिर भी रिक्स लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा, कोई नहीं। चलो मैं जल्दी से डिसइंचेंट करके आता हूँ, अभी भी थंडरस्टॉर्म चल रहा है, आई थिंक चल रहा है, आवाज़ तो मुझे थोड़ी देर पहले आया था, और देखता हूँ अभी जल्दी से। अरे यार थंडरस्टॉर्म, कंटिन्यू रहो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे इसको ही लेके जाता हूँ ऊपर, बार बार क्या ऊपर नीचे करूँगा, इसको ही लेके ऊपर चला जाता हूँ, फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत और लेवल लेके जाऊँगा, चलो रुको थोड़ा बहुत और लेवल ले लेता हूँ, कब ज़रूरत पड़ ही सकता है। तो कोई नहीं, अभी इसको निकालू कहाँ से, अरे इसको फेंको, ये हो गया 49 49, चलो 50 के करीब है, 50 के करीब है, तो इसका मतलब 6 इंचेंटमेंट तो आराम से हो जाएगा लेवल 30 के, 6 इंचेंटमेंट से हो जाएंगे, 6 कहाँ से हो गए, हाँ 6 हो जाएंगे। तो इस पर क्या आएगा, इम्पेलिंग लॉयल्टी, चलो कोई नहीं दोनों को डिसइंचेंट करना पड़ेगा अभी तो। अरे क्या यार, जब लॉयल्टी चाहिए होता है तब लॉयल्टी आता नहीं है, जब चैनलिंग चाहिए होता है चैनलिंग नहीं आता है। फिर से दो ट्राई, इसमें लॉयल्टी 3 आ रहा है, लॉयल्टी के साथ चैनलिंग आई थिंक आ सकता है, चलो ट्राई करके, नहीं आया, इम्पेलिंग 2 आया, अनब्रेकिंग 3, फिर से अनब्रेकिंग 1, इसमें भी नहीं, छोड़ो लेवल 1 का इंचेंटमेंट ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लैपिस नहीं है, लेवल 1 के इंचेंटमेंट से अभी जो है इनको री रोल, उफ, इम्पेलिंग 5, फिर से, अभी मुझे लगता नहीं है यहाँ पे चैनलिंग आएगा, मुझे लगता नहीं है टाइम से चैनलिंग आएगा, 14 अभी सिर्फ और सिर्फ लैपिस बच गए हैं। अभी मैं लेवल 1 पे तो मैं उसको रीरोल तो कर रहा हूँ, तो इसलिए एक एक करके लैपिस तो लग रहा है, फिर भी एक एक करके लग तो रहा है ना, अभी मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा है कि चैनलिंग नहीं आएगा। और थंडरस्टॉर्म आई थिंक कम हो चुका है, आई थिंक थंडरस्टॉर्म गया, बंद हो चुका है, आवाज़ नहीं आ रहा है। फिर से लॉयल्टी, इम्पेलिंग 4 मैंने क्यों लिया, चलो
ओ चैनलिंग, ओ भाई चैनलिंग, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मिल गया मिल गया मिल गया, चैनलिंग मिल गया। अभी जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। आई थिंक मुझे आवाज़ तो नहीं आ रहा है अभी थंडरस्टॉर्म का, पर सुबह हो चुका है। क्या यार, क्या यार, मैं नीचे क्यों आ गया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैं नीचे क्यों आया? मुझे जाना था ऊपर, मैं नीचे क्यों आया? आई डोंट नो ब्रो। कोई नहीं, सुबह हो चुका है तो इसका मतलब आई डोंट थिंक कि ऊपर थंडरस्टॉर्म अभी तक चल रहा होगा, पर क्या ही कर सकते हैं अभी, अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते। छोड़ो, अभी इस ट्राइडेंट को इसके साथ मेंडिंग के साथ जो है इकट्ठा कर लेता हूँ, कम से कम ये ऑटोमेटिक रिपेयर तो होता रहेगा, ऑटोमेटिक रिपेयर तो हो जाएगा। इसमें लॉयल्टी भी है और इसको रिपेयर भी कर लेता हूँ। छोड़ो, कोई नहीं, सोचा मैंने क्या था, क्या हो गया। चलो चैनलिंग ट्राइडेंट तो रेडी है, बाद में कभी जब थंडरस्टॉर्म होगा तब देखा जाएगा। एंड इसी के साथ एक मैं यहाँ से आयरन निकालूंगा, बस खत्म खत्म। पावर देखा ऑलमाइटी फर्नेस का, फर्नेस गॉड है ये, गॉड, इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, गॉड है। अभी भी बारिश तो चल रहा है बाहर, पर थंडरस्टॉर्म जो है बंद हो चुका है, होना ही चाहिए। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। हाँ, थंडरस्टॉर्म बंद हो चुका है, नहीं तो थंडरस्टॉर्म अगर होता तो अभी इसके ऊपर बिजली गिरता। तो वो लास्ट क्लिप था बहुत दिन पहले का, 2 हफ्ते पहले का। अभी जो है केव्स एंड क्लिप्स पार्ट 2 जो है रिलीज़ हो चुका है, और आज जो है आज शायद 2 तारीख है, और वीडियो पता नहीं कब मैं अपलोड करूँगा, 2 नहीं, आज 3 तारीख है, वीडियो कब अपलोड करूँगा पता नहीं। तो कोई नहीं, जल्दी से अपना जो वर्ल्ड है उसको अपग्रेड करता हूँ केव्स एंड क्लिप्स पार्ट 2 में, और इससे जो है मेरे वर्ल्ड के नीचे जो है मतलब मेरे वर्ल्ड का जो वाई लेवल है वो नीचे तो हो जाएगा, एक तो चीज़ ये है। एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि मेरा जो न्यू चंक्स है वो भी जनरेट होगा। तो न्यू चंक्स पे आज मैं कौन सा करूँ, अपने वर्ल्ड के नीचे जाके देखूँ, डेप्थ में जाके देखूँ, या फिर न्यू चंक्स पे जाऊँ? क्योंकि दोनों में अपडेट हुआ है माइनक्राफ्ट के इस अपडेट में, मतलब केव्स भी अपडेट हुआ है, उसके साथ साथ क्लिप्स भी अपडेट हुआ है, मतलब बाहर भी अपडेट, नीचे भी अपडेट, तो दोनों में अभी कौन सा ढूंढूँ पता नहीं। तो जैसा कि देख सकते हो, और मैंने जो वो वाला फार्म जो है पूरा कंप्लीट कर दिया था, तुम लोगों को मैंने वीडियो में एक बार भी दिखाया नहीं, पर वो वाला फार्म मैंने कंप्लीट कर दिया था, इसलिए वहाँ पर डेज पे जो है तुम लोगों को इतना ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया, मतलब डे 69 से लेकर 72 मतलब 75 पे आ चुका है, इसलिए ही है मैंने ऑफ कैमरा जो इसको कंप्लीट कर दिया, और मैंने एक रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, एक बार भी रिकॉर्ड नहीं किया। वो थंडरस्टॉर्म होने से पहले ही मैंने कंप्लीट कर लिया था वो वाला फार्म, मतलब वहाँ पर ही मैं काम कर रहा था तभी थंडरस्टॉर्म आ गया, और उसके बाद क्या ही हो सकता है। तो कोई नहीं, अभी मैं सोच रहा था नीचे जाऊँ, पर यहाँ पे तो लावा, क्या बात है, आते ही मतलब फर्स्ट स्टेप लावा, नीचे लावा, वहाँ पे दिखा दिया तेरे को, तो नीचे जाने देंगे नहीं, हम देंगे नहीं, क्या करेगा, ऊपर जा चल। कोई नहीं, यहाँ पे ट्राई करके देख लेता हूँ, यहाँ पे भी अगर लावा आया ना तो मैं तो चला ऊपर, लावा ना आना चाहे, अगर लावा आया तो मैं ऊपर गया, देख लो। एंड जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है, यहाँ पे भी लावा है, मतलब ये माइनक्राफ्ट मुझे चीख चीख के कह रहे हैं नीचे मत जा, जा ऊपर जा, तेरा ऊपर ही होगा, नीचे कुछ नहीं है तेरा। कोई नहीं, मैं तो ऊपर ही जाता हूँ, उसके बाद इतना बार बोलने के बाद भी मैं नीचे तो मैं अभी जाने से रहा। तो कोई नहीं, अभी मुझे सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा किस तरफ मैंने कम एक्सप्लोर किया था, क्योंकि जिस तरफ मैंने कम एक्सप्लोर किया होगा वहाँ पे मुझे न्यू जनरेटेड चंक्स मिलेंगे, और न्यू चंक्स पे ही सारे का सारा जो जितने भी चीज़ें हैं नए नए सब न्यू चंक्स पे ही मिलेंगे, नहीं पुराने चंक्स पे भी मिलेंगे पर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं, अभी मैंने याद कर लिया है इस तरफ मतलब मेसा बायोम के उस तरफ जो है मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, मेसा बायोम को मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, तो सेफ टू से कि इस तरफ जो है मुझे न्यू जनरेटेड चंक्स जो है मिल जाएंगे। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। आई थिंक ये जो सीड है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये सीड जो है मतलब लिटरली मतलब ऐसा सीड मैंने पहले नहीं देखा था। मेसा बायोम उसके बगल में जो है वो क्या कहते थे उसको, स्नोई पीक्स ही तो था शायद, ऐसा ही कुछ था वो वाला बायोम था, मतलब स्नो बायोम और मेसा बायोम जो है अगल बगल में नहीं होता है, पर फिर भी इस वाले सीड में था, तो ये सीड जो है चेंज हो सकता है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहाँ पे थोड़ी देर जाके ही देखूँ मेसा बायोम जो है ख़त्म हो चुका है और दूसरा कोई बायोम जो है जनरेट हो रहा है, लाइक प्लेन्स बायोम या फिर कुछ और डेजर्ट बायोम जनरेट हो रहा है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। एंड सामने देख सकते हो तुम, वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने बोला था, और क्योंकि 1.18 में इतना बढ़िया ब्लेंड इन जो फीचर है वो ऐड किया है माइनक्राफ्ट वालों ने, इसके वजह से जो तुम लोगों को अभी तो देख के समझ भी नहीं आ रहा होगा, पर ये जो है एक चंक बॉर्डर है, देख सकते हो ये वाला एक चंक बॉर्डर है, पर देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चंक बॉर्डर है भाई, लिटरली मुझे भी व्हाट कर्स्ट सीड है ये, कर्स्ट सीड। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया था कि अगर तुम लोगों को जो ये वाला सीड जो चाहिए ना, ये वाला जो सीड है ये चाहिए ना, तो लिटरली
तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में सीट जो है मिल जाएगा। एंड वर्ल्ड डाउनलोड की अगर बात करो तो चलो, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में, स्पेशली मेरे वर्ल्ड में क्योंकि मेरे वर्ल्ड में तुम लोगों को मेसा बायोम एंड जो स्नोई पीक्स बायोम है दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा, तो मैं अपना जो वर्ल्ड है इसका डाउनलोड लिंक जो है इस एपिसोड में दे दूंगा। कैसा लगा? चौंक गए ना? अगर चौंक गए तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि डाउनलोड लिंक देने के लिए मुझे भी इसको अपलोड करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ता है डाउनलोड लिंक देने के लिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ एक लाइक तो बनता है। तो कोई नहीं, अभी इसमें से मुझे एक ट्रेजर मैप मिला एंड ट्रेजर मैप उस तरफ जाता है, छोड़ो उस तरफ कौन जाएगा, इस तरफ नए चंक्स है तो इस तरफ भी जाऊँगा। यहाँ पर भी एक और है। ओह भाई क्या बात है। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि एक चीज़ ज़रूर चेंज हुआ है, क्योंकि ये बगल में इसके मेसा बायोम है तो इसका जो एलिवेशन है वो देख सकते हो वाई लेवल 82 पे है। पहले वाई लेवल 82 पे जो है माउंटेन्स बायोम जेनरेट होते थे, नहीं वाई लेवल 82 भी नहीं होता था, पर माउंटेन बायोम का जो स्टार्टिंग हाइट जो है वाई लेवल 82 तक ही होते थे, पर प्लेन्स बायोम का जो हाइट होते थे वो 64 तक ही रहते थे, जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों को देख रहे हैं 62 66। ये जो हाइट है ये प्लेन्स बायोम का था पहले। अभी देख सकते हो ये प्लेन्स बायोम जो है यहाँ पे कितने ऊपर तक जा रहा है, लिटरली ये देखो 72 पे पहुंच गया। और यहाँ पे एक नया केव, आई थिंक ये नया केव है, न्यूली जनरेटेड। हाँ, ये वो स्ट्रेंज जैसा कि जो केव होते हैं ना साइड में माउंटेन साइड से जो केव्स होते हैं ना, वो ये लगता है वही वाला है। और पता नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो एक चंक बॉर्डर पे जो है जनरेट हुआ है, तो बाकी जनरेट नहीं हुआ है, बाकी का केव जो है जनरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही जनरेट हुआ था पर हुआ तो है, उस तरफ जाके देख लेता हूँ। और हाँ, यहाँ पे तो एक्वाफर भी आया है ना, वो लावा वाले एक्वाफर और उसके साथ साथ जो वाटर वाले एक्वाफर दोनों तो आए हैं ना, तो अभी जो है पानी के अंदर भी घूम के आना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे ये केव तो है पर ये नीचे भी जा रहे हैं, पर पता नहीं ये कंटिन्यू होंगे या नहीं, क्योंकि ये इस तरफ है तो ये पुराने चंक से जो है कट ऑफ हो चुके हैं, देख सकते हो ये कट ऑफ हो गए हैं पुराने चंक से, नहीं तो यहाँ पे कोई केव होता, ज़रूर यहाँ पे कोई केव होता। तो कोई नहीं, यहाँ से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो घूम फिर के इधर उधर थोड़ा सा देख लेता हूँ अगर कोई नया केव जो है मिल जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक नमूना तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो पुराने चंक्स का जो केव है वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे एक स्टोन जनरेट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे तो ये केव तो जा रहा है पर ये केव नहीं है, लिटरली ये केव नहीं है। तो कोई नहीं, ये देखो एक्वाफर इसको कहते हैं, तो ये वाला जो है नए चंक्स में जो है जनरेट हो रहे हैं, तो ये वाला जो है कट ऑफ हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ पे भर के कॉपर है, कॉपर उठाऊंगा यहाँ से, उठाने का तो मैं उठा ही सकता हूँ, कॉपर मेरे पास है भर के है और कॉपर की ज़रूरत भी है। मैं सोच रहा हूँ एक बिल्डिंग बनाऊँ जिसमें कॉपर के इस्तेमाल होगा, बहुत सारा इस्तेमाल होगा। बिल्डिंग में मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर इसलिए मैं जो है सोचता तो हूँ कि कुछ बनाऊँगा पर वहाँ सोचने तक ही जो है काम जो है मेरा रह जाता है। ओ भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्वाफर मिला मुझे, ये इसको एक्वाफर ही कहते हैं शायद, ये देख सकते हो ये अंडर वाटर केव। ओ भाई कितना बड़ा है ये केव। ओ भाई और नज़ारा भाई, ओ नज़ारा देख के तो मज़ा आ गया, लिटरली बोल रहा हूँ नज़ारा देख के मज़ा आ गया। ग्लो स्क्विड, कितना बड़ा है ये केव लिटरली, मतलब ऐसे केव तो 1.17 मतलब 1.16 में जो ऐसे केव तो दिखते भी नहीं थे, बड़े से बड़े केव भी इतने बड़े नहीं होते थे, रिविन में इतना बड़ा होता था शायद। और अभी देख सकते हो ये तो एक पानी के नीचे का केव है। ओ भाई, एक्सप्लोर करने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा है, अगर वाटर ब्रीदिंग का पोर्शन होता तो अच्छा होता, पर पोषण मिलेगा कहाँ से, मैं तो नेदर फोर्ट्रेस में गया पर वहाँ से नेदर वर्ट ही नहीं लेके आया, क्या बात है। तो कोई नहीं, अभी यहाँ से मैं कॉपर इकट्ठा करने का तो कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम होगा यहाँ से इकट्ठा करने में थोड़ा बहुत। एक काम करता हूँ, इस एक्वाफर में इधर उधर में घूम लेता हूँ, अगर कोई मतलब पानी बिना पानी के जो केव है मतलब नॉर्मल केव है वो अगर मिल जाए तो देखता हूँ इधर उधर घूम के एक बार। तुमने कभी किसी यूट्यूबर को नहीं सुना होगा कि वो स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मर गया, पर मेरे साथ ये होने वाला था, लिटरली मैं स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मरने वाला था, सीरियस बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब थर्ड पर्सन जो उसको ऑफ किया और थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आया तो मेरा हालत देख सकते हो, दो बबल बचे हुए थे और मैं जो है लिटरली मरने वाला था, थोड़ी देर भी मरने वाला था। एक्वा इन्फिनिटी ने जो है मुझे मुझे अच्छी तरीके से बचा लिया, वरना मैं तो गया था वहाँ पे। तो कोई नहीं, जितना मैंने यहाँ पे आसपास घूमा घूम के देखा वहाँ पे, इतना तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिर्फ ये वाटर केव्स ही है, भर भर के वाटर केव्स है सारे जगह पे,
कहीं पे ये जो है नॉर्मल केप तक जो है लीड नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्लो स्क्विड इनको छोड़ के और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है। कोई और केप ढूंढ के देखता हूँ, अगर मिल जाए तो। ये क्या दिख गया मेरे को, ओह भाई, मतलब लिटरली ये ग्रास जो है ऊपर लटक रहे हैं। तो मुझे पता है ये चंक बॉर्डर पे है इसलिए ऐसा हुआ, पर फिर भी देखने में खतरनाक, मतलब स्पूकी लग रहे हैं एकदम, हेलोविन जैसा, मतलब वो घोस्ट टाइप का कुछ लग रहा है देखने में। ये वाला बग अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या यार, मतलब जब भी वो फायर करने जा वो जो ऐसे हाथ घुमाता है, वो बग अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये वाला बग जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एटलीस्ट इतना तो कह सकता हूँ कि मेरा जो बो वाला जो ये बग है ये नेदर में तो फिक्स हो गया, मतलब नेदर में जो बो है वो ब्रो हो, क्रॉस बो हो, ट्राइडेंट हो, वो सब इनविजिबल हो जाते थे, तो वो वाला बग फिक्स हो चुका है, इतना तो है। मतलब और क्या चाहिए ना, वो वाला भी शायद फिक्स हो ही जाएगा। मतलब माइनक्राफ्ट का अगर बात करूँ तो हर एक अपडेट में जो माइनक्राफ्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है, पर इसका जो बग्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब क्या ही कर सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वक्त बढ़ रहे हैं पॉकेट एडिशन में। पॉकेट एडिशन के प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा बक्स जो है प्रॉब्लम होता है। और लैग की तो बात ही नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे लैग की तो बात ही नहीं करूँगा। देख सकते हो मेरे मोबाइल में 6 GB रैम है, जिसे यह जो मेरा मोबाइल है इसमें 6 GB रैम है, इसमें माइनक्राफ्ट चलते वक्त कितना ज़्यादा लैग कर रहा है तुम लोग खुद ही देख लो। और 100 एपिसोड तो मैं चला ही नहीं सकता ठीक से, वहाँ पे तो छोड़ो बोलूँगा ही नहीं मैं, अगर बोलने जाऊँगा तो वही लोग तुम लोग बोलोगे कि बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे ये वाला जो विलेज है यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो इस साइड जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस साइड में जितने अभी चीज़ें होंगे वो ऑलरेडी जनरेटेड चीज़ें होंगे। तो एक काम करता हूँ मैं जो है अभी समुंदर से होके जाता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ समुंदर मुझे फॉलो कर रहा है, तो इसलिए अभी एक ही रास्ता है मेरे पास कोई नए चंक्स पे जाने का, वो है समुंदर के बीच में से जाना। तो मैं बोट से यहाँ पे जा तो रहा हूँ पर जाता ही चला जा रहा हूँ, समुंदर ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा है। ये पैसिफिक ओशन है क्या, मतलब क्या कहूँ इसको। और देखो मैं चला ही जा रहा हूँ, चलते ही जा रहा हूँ, बोट चलाते ही जा रहा हूँ, हाथ दर्द हो गए मेरे भाई, अभी तो कोई लैंड आ जाओ। तो तुम लोगों को भी यकीन हो जाए कि ये समुंदर कितना बड़ा है, टाइम लैप्स देख लो। मुझे लगा ये एक लैंड है, पर ये एक फ्रीकिंग आइसलैंड है। क्यों माइनक्राफ्ट, व्हाई, मेरा दिमाग खराब मत करो। एंड मैं टोटली आइलैंड बोलना चाहता था, आइसलैंड नहीं। तुम लोगों ने नहीं सुना मैंने आइसलैंड बोला, मैंने आइलैंड बोला था, ठीक है, आइलैंड ठीक है, कंटिन्यू। बस बहुत हुआ, बस हो गया और नहीं होगा मुझसे। तब से मैं इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ, अभी तक इसका आइलैंड ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, हो गया आज के एपिसोड के लिए, बस बहुत हो गया। तो कोई नहीं, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रहा हूँ, शेयर कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो बाद में किसी एपिसोड में कर लेना। पर एक चीज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो है कमेंट, क्योंकि अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो यूट्यूब को लगने लगा कि मेरा जो वीडियो है वो बेकार है और वो जो है इसको हाइड कर देगा। उससे अच्छा तुम लोग जो है कमेंट करो, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करो, और वीडियो का जो एंगेजमेंट है उसको हाई रखो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तुम लोगों को जानना है कि मैंने 100 डेज अल्ट्रा हार्डकोर में कैसे सर्वाइव किया तो ऊपर वाला वीडियो देखो। एंड अगर तुम लोगों को मेरे सबसे खतरनाक, मतलब सबसे अनलकीस्ट डे के बारे में जानना है तो नीचे वाला वीडियो देखो। तब तक के लिए गुड बाय।